आज कितना अच्छा मौसम है, जानती हो ऐसे में घूमना अच्छा होता है। मौसम के अच्छे खराब होने पर राग मत सुनाओ। बोलो तुम्हें क्या बात करनी है, चलो अब बको। तो फिर सुनो, तुम्हारे एक ब्रिलियंट आइडिया का तुम्हें क्रेडिट देने आया हूं मैं, वही रिश्वत लेने वाला कांड। उससे मेरा क्या लेना देना है, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम खुश हो अभी? खुश हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से क्या बन गई है? और मेरे पति ने आपसे ये कहने को कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आप इस बात को राज ही रखेंगे। क्या आप मुझे इस केस को इसी वक्त दबाने के लिए कह रही हैं? जहां तक मुझे पता है, अगले ही महीने तुम्हारे इस डिपार्टमेंट को परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस मिलने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं तुम्हारी इस फिक्र से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लेकिन तुम जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं ले सकती। मैं हाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम ये फैसला सिर्फ मुझे बचाने के लिए ले रही हो, है ना? सच बताओ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। किसी ने तुम्हें फंसाया है और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा नहीं देख सकती। तुम्हारी मदद करूंगी। हमें उस अपराधी को ढूंढकर इसकी सजा दिलानी होगी। मैं तुम पर लगे हर इल्जाम को मिटाना चाहती हूँ। हम ये जरूर करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं कभी तुम जैसी लड़की से मिला नहीं हूं, याना। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, बहुत नेक इंसान हो, और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। ये सच है। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं। जिस दिन तुम मुझे अपने पति के रूप में देखना चाहोगी, उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। अपने घुटनों पर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा मैं, ठीक है? अपना हाथ दोगी ना? ओ ल्यूबा, तुम आ गई? कहाँ गई थी तुम और इतनी खामोश क्यों हो? पहले तो तुम मुझे बिना बताए चली गई और अब कुछ कह नहीं रही। ल्यूबा, क्या बात है? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैंने कौन सा झूठ बोला? अब ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। आपने नहीं कहा था आप पेट्रो से शादी के बारे में बात करेंगी? आपने कहा था आप सब संभाल लेंगी। मैंने आप पर भरोसा किया था। मैंने कब कहा कि मैं पेड्रो से बात करूंगी? आपने सच में ऐसा नहीं कहा था? फिर किसने कहा था कि आना शादी का खर्चा उठाएगी? आपने ही कहा था ना? तुम भी हद करती हो ल्यूबा। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई? मैं तो याना और एंड्री की बात कर रही थी। तुम तो मेरी बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर चली गई। ल्यूबा प्लीज रो मत। सॉरी, गलती मेरी है। हर किसी को खुश रहने का हक है सिवाय मेरे। रो क्यों रही हो? प्लीज तुम ऐसे अपना दिल छोटा मत करो। तुम बहुत सारी खुशियां रिजर्व करती हो। प्लीज ऐसे रो मत। मुझे हाथ मत लगाइए और भूल जाइए कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ल्यूबा, प्लीज रो मत, चुप हो जाओ। तुमने और भाभी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। तुमने मुझे खाना ले जाने की सलाह क्यों दी थी? उस दिन भी मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी, और आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद तो दिल करता है मर जाऊं। वो तुम्हारी परवाह करता है, मैं सच कह रही हूँ। तुम अकल की अंधी हो, इसलिए समझ नहीं पा रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से।
मुझसे नहीं तो किसी और से पूछ लो। हर कोई जानता है कि वो तुम्हें पहले दिन से बहुत प्यार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इजहार नहीं कर पा रहा है। अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करता है, फिर इजहार करने में दिक्कत क्या है? क्या क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? आखिर कमी क्या है मुझ में? वो क्यों किसी और को डेट कर रहा है? क्या तुम उस औरत को जानती हो? अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। पेट्रोस शरीफ आदमी नहीं है, वो औरतों का शौकीन है, वो प्ले बॉय है। मैं दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं उसे प्यार भी नहीं करती हूँ, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। वो बहुत बुरा है। तुम बहुत भोली हो, अपने प्यार को छुपा नहीं पाती हो। मैं उसे प्यार नहीं करती। हाय मॉम। तुम आ गई बेटा। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं मॉम, मैं खाकर आई हूँ। आपने खाना क्यों नहीं खाया? आज मैं खाना खाना ही भूल गई। तुम्हारी बुआ के साथ बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी के बारे में कुछ बात की, और उसे लगा कि मैं उसकी और पेड्रो की शादी की बात कर रही हूँ उससे। लेकिन आपने मेरी शादी के बारे में बुआ से क्यों बात की थी? ये फैसला तो आपका होना चाहिए। अब मैं क्या बताऊं बेटा, बैठ जाओ। मैं आना से मिलने गई थी और उसने मुझे सलाह दी थी कि मैं तुम्हारी और एंट्री की शादी करवा दूं जल्द से जल्द, यहाँ तक कि वो शादी का खर्च उठाने के लिए भी तैयार है। देखो, मुझे सब में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एंड्री से बात की है। माफ़ कर दो, मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी। आपने एंड्री से कब बात की थी? दो दिन पहले ही की थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, जाने दीजिए। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं अब किस किस से माफी मांगनी पड़ेगी, पहले तुम्हारी बुआ और अब तुम। मुझे तुम सबकी बहुत फिक्र है। अगर शादी करनी ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर इंतजार किस बात का है? हम दोनों फिलहाल शादी नहीं कर सकते हैं मॉम, क्योंकि एंड्री अभी काम को लेकर बहुत परेशान है। क्या हुआ है? ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। उन्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मुझे पूरा यकीन है उसने किसी से रिश्वत नहीं ली होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बस हमें पता चल जाए कि उसे फंसाया किसने है, फिर वो निर्दोष साबित हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी बुआ इस वक्त कमरे में रो रही है, एंड्री और तुम भी इस वक्त परेशान हो। ऊपर वाले का शुक्र है कि आना तो खुश है। मेरी जान, ज्यादा देर तक काम मत करना। हाँ, मैं घर पहुंच चुकी हूँ। हाँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं, मैं नहीं जानती। शायद इसलिए क्योंकि तुम पागल हो चुके हो और मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते। याना, याना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दफा हो जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुमसे कुछ बात करनी है, क्योंकि अब मैं वाकई पागल हो सकता हूँ और तुम्हारी ये ऐशो आराम की जिंदगी तबाह करने की कोशिश भी कर सकता हूँ। इस बार मुझे हल्के में मत लेना। ठीक है, चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठो। आज कितना अच्छा मौसम है, जानती हो? ऐसे में घूमना अच्छा होता है। मौसम के अच्छे खराब होने पर राग मत सुनाओ। बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? चलो अब बको। तो फिर सुनो, तुम्हारे एक ब्रिलियंट आइडिया का तुम्हें क्रेडिट देने आया हूं मैं। वही रिश्वत लेने वाला कांड। उससे मेरा क्या लेना देना है? तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अगर तुमने रिश्वत ली है तो मान क्यों नहीं लेते? रिश्वत के बारे में बात ना करो तो ही अच्छा है। मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरी और याना की शादी करवाने की इतनी जल्दी क्यों है?
हम दोनों से छुटकारा पाना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसी बात के तो मैं सपने देखती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो, अच्छी जिंदगी जियो, अपनी फैमिली प्लान करो। और कुछ सुनना है या इससे तुम्हारा मन भर चुका है? मेरी फैमिली प्लानिंग तुम कर रही हो, ठीक है। मुझे जो बात करनी थी वो तो मैंने तुमसे कर ली है। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, शायद तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम अभी मुझे चाहते हो, मैं ये देख सकती हूँ। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ बेबी। अच्छा परफॉर्मेंस है ना, देखो। यही उम्मीद थी आना, तोड़ डालो मेरे फोन को, तोड़ डालो, करो करो, बहुत बढ़िया। ओ हाँ, अब तो तुम खुश हो ना? जानती हो मुझे पहले से पता था कि तुम मेरा फोन तोड़कर ही दम लोगी। अब मैं क्या करूं बताओ, तुमने तो सारे सबूत मिटा दिए, अब मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनो, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था कि जितना तुम मुझे परेशान करने की कोशिश करोगी उतना ही तुम जमीन में धंसती जाओगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर लगे हुए रिश्वत के सारे इल्जाम मिटा दो। जानता हूं ये तुमने ही किया है, मुझे पता भी है। और अगर तुमने वो इल्जाम हटाने में आनाकानी की तो अगले 24 घंटे में सिर्फ डेनिस और उसके परिवार को ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को तुम्हारा वो वीडियो मिल जाएगा। इसलिए अब जो भी करना सोच समझ कर करना। मौसम आज वाकई बड़ा अच्छा है, मैं वॉक के लिए जाना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारी बहन से मिलने जाने वाला हूँ, क्योंकि जो भी हो वही एक ऐसी है जिसे मैं प्यार करता हूँ। नहीं ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना प्लीज। मुझे कोई एक वजह बता दो कि मैं ये ना करूं। तुम्हें पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे सब पता है याना। इसलिए मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं करने वाला। तो फिर तुम मुझे मार डालो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मारने के लिए ये वीडियो ही काफी है। एक वीडियो तुम्हारे पास है, एक वीडियो मेरे पास है, देखते हैं किसका नुकसान ज्यादा होता है, क्या ख्याल है? इस वक्त शाम के 10 बजे हैं, कल ठीक इसी वक्त पर मैं ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा, जो तुम्हें जानते हैं उनके पास पहुंच जाएगा। इसलिए कल तक मेरे इल्जाम हट जाने चाहिए। गुड नाइट। कितनी रात हो चुकी है, क्या आप जानते हैं डेनिस और आना कहाँ हैं? डेनिस तो इस वक्त एक बिजनेस मीटिंग में गया हुआ है, और आना कहाँ है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सुनो बेटा। हाँ? क्या एंड्री पे लगे इल्जाम गलत साबित हुए? वो ऐसा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है उसने ऐसा नहीं किया होगा, सच में। इस केस की तहकीकात अभी जारी है, इसलिए अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। जल्द ही पता चल जाएगा कि वो बेगुनाह है या गुनेगार। गुड इवनिंग, आप सब लोग कैसे हैं? अब तक तुम कहाँ थी? मैं अपनी माँ के घर गई थी। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं लगी, मैं अभी ऊपर जाती हूँ। गुड नाइट। लगता है आज फिर ये गुस्से में घर आई है। क्या तुम खुश हो अभी? खुश हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से क्या बन गई है? मुझे इस बेवकूफ को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
एक ऐसा सबक जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी भर क्यों? मुझे उसे जिंदा रखना ही क्यों है? मैं उसे मार डालूंगी, उसे मरना ही होगा। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इतनी सुबह कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आईटी डिपार्टमेंट से अभी एक अर्जेंट कॉल आया है, बहुत ही अर्जेंट है। बताओ। उन्होंने मुझे उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिया है जिससे वह रिश्वत वाला वीडियो ईमेल किया गया था। वह कंप्यूटर चरकाजी सिलिकेट पुट के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मौजूद है। उनका कहना है कि रिश्वत वाला वीडियो हमारी ही कंपनी के डिपार्टमेंट से भेजा गया है। अब जिसने भेजा है उसका भी पता लगाना होगा। उस डिपार्टमेंट के हर कंप्यूटर को अच्छी तरह से जांचो। सुनो उस कंप्यूटर की। मैंने सुन लिया, काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ये तो बड़ी दिलचस्प खबर है बेटा। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है कि उस बेचारे लड़के को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसने रिश्वत ना ली हो, पैसे लौटा दिए हो। अच्छा, अभी याद आया कि आना भी तो उसी बिल्डिंग के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करती है ना? हाँ, वो वही काम करती है, लेकिन वो अपना सारा वक्त स्टूडियो में बिताती है और ऑफिस के बारे में उसे कुछ नहीं पता। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? बस जानना चाहता था कि वो वहाँ काम करती है या नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ल्यूबा बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है, उसका बदन तप रहा है। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैं जानती हूँ ये मेरे और पेड्रो की वजह से हुआ है। वो कल बहुत नाराज थी, हम दोनों ने उसे हर्ट किया। माँ शांत हो जाइए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ और मैं यहीं रुक जाती हूँ। तुम्हें काम पर जाना है, तुम्हें देर हो जाएगी। सोरियाना तुम यहीं पर रहो, मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ। फिर पेड्रो से कहूंगी कि रेस्टोरेंट संभाल ले। तुम आज रेस्टोरेंट मत आना, ठीक है? तुम जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। मॉम मैं यहाँ रुक जाती हूं। कहा ना तुम ऑफिस जाओ, जल्दी करो, लेट हो जाओगी। हेलो, क्या ये हॉस्पिटल का नंबर है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा लैपटॉप कहाँ है? आईटी डिपार्टमेंट वाले ले गए। सिक्योरिटी वालों को पता चला है कि एंड्री का रिश्वत वाला वो वीडियो हमारे डिपार्टमेंट के किसी कंप्यूटर से भेजा गया था, इसलिए वो तहकीकात के लिए ले गए। वो हम सब की हार्ड ड्राइव पर उस वीडियो के ट्रेसेस को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम जैसे लोग इस झमेले में पड़ सकते हैं। हाँ, हमें और आना को एंड्री से क्या लेना देना है? क्या पता कोई रात को चोरी छुपे हमारे डिपार्टमेंट में घुस गया और कंप्यूटर से ये सारा काम किया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उनके मुताबिक वीडियो दिन के टाइम भेजा गया है। शायद तुम सही हो, लेकिन यहाँ बैठने से क्या फायदा? इससे अच्छा हमें छुट्टी दे देती, घर अपने लैपटॉप से काम कर सकते थे। कम से कम तहकीकात की वजह से तो हमारा काम न रुकता। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सोच लो एक बार, इस बार तुम्हें सच बोलना होगा अगर तुम चाहते हो कि बिना किसी कार्रवाई के ये केस बंद हो जाए, वरना ना चाहते हुए हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर पुलिस को अभी बुला लीजिए। मैं जानता हूं ये मानना बहुत मुश्किल है कि तुमने इतनी बड़ी रिश्वत ली है, लेकिन मुझे यकीन मुझे है भी कि पूरा यकीन है कि एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैंने रिश्वत नहीं ली है। बेबी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ आज तुम कितने बिजी हो, लेकिन मैं बस ऐसे चुपचाप बैठकर सब कुछ देख नहीं सकती। याना इस वक्त बहुत परेशान है और उसकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती। वो ऑलरेडी क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रही है। मेरी बेचारी बहन उस आंड्री की वजह से इतनी परेशान है कि मुझे लगता है वो वापस हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। ये सुनकर दुख हुआ मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जितनी बार भी ऑन्ड्री को सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है, उसे दौरे पड़ने लगते हैं। मैं ऐसे चुपचाप खड़ी अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? मेरे ख्याल से शायद
सिक्योरिटी सर्विस से बात करके ऑन्ड्री की सिचुएशन को थोड़ी हल्के में ले सकते हैं। मैं याना की सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। हक नहीं है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यहाँ के सीईओ हो। ऐना, तुम्हें ये बात समझनी होगी, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, और खास तौर पर अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने वाली है। तुम क्या चाहती हो, मैं इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दूं और लोग मुझसे सवाल पूछें? तुम जानते हो मुझे अपनी बहन की फिक्र हो रही है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूं। और मुझे अपने फैमिली बिजनेस और अपने रेपुटेशन के बारे में सोचना है। माफ करना, लेकिन मैं किसी भी करप्शन को कवर अप नहीं कर सकता हूं। अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 11 घंटे हैं। ओके डार्लिंग, मैं सब समझ गई हूं। ल्यूबा कहाँ है? ल्यूबा को बुखार है, हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। आज जोरियाना काम पर नहीं आ रही है? ल्यूबा को उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने उसे घर में रहने को कहा है। क्या ल्यूबा को बहुत बुखार है? क्या वो सीरियस है? नहीं, फिलहाल तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा नहीं। इसलिए सुनो, क्योंकि आज यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, हमें दुगना काम करना होगा। मैं साफ साफ बता देती हूँ कि आज तुम पूरा दिन किचन में। माफ करना, मैं ल्यूबा से कॉल पर बात करना चाहता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। सुनो, डॉक्टर ने कहा है कि ठंड और फ्लू के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। तुम्हारी ये बीमारी पूरी तरह साइकोलॉजिकल है, इसलिए उसने कहा कि ये सब खाना होगा, सूप पीना होगा, विटामिन्स लेने होंगे और सेडेटिव भी। अगर मैंने ये सब एक साथ खा लिया तो मर जाऊंगी। नहीं, तुम मरोगी नहीं। विटामिन्स खाने से आज तक किसी की मौत नहीं हुई। हाँ, हो सकता है इन्हें खाकर तुम्हें थोड़ी सी एलर्जी हो जाए। तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए और सोने की कोशिश करनी चाहिए। नींद नहीं आ रही हो तो मेडिटेशन शुरू कर दो, या फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सी किताब पढ़कर सुनाऊं, या कोई मैगजीन। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम आराम कर लो, अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों के बारे में सोचो। ओह, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊं? देखो, अभी से अचानक मेरी फिक्र हो रही है, अभी से परेशान होने दो। इसका फोन उठा लेने से तुम्हें कुछ हो जाएगा क्या? तुम्हें पता भी है वो तुम्हें कॉल कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। अब मुझे इसके परवाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके बिना ही ठीक हूं। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, मेरे यहाँ अचानक आने से तुम्हें अपना काम रुकना पड़ा। मैं खुद को एक्सक्यूज करवा देती हूँ, मैं आना डब्रोवॉल्स की हूँ। आप कैसी हैं? मैं जानता हूँ आप कौन हैं। प्लीज आप यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक मुझे पता है, आप इस वक्त ऑन्ड्री के खिलाफ उसकी तहकीकात कर रहे हैं, है ना? क्या मैं इस मामले में आपसे थोड़ी सी मदद ले सकती हूँ? जी, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम साबित कर सकते हो कि ऑन्ड्री ने ये रिश्वत नहीं ली है और वो बेगुनाह है? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि जिस डायरेक्टर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है वो डब्रोवॉल्स की फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट मेम्बर है, और मेरे पति ने आपसे ये कहने को कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आप इस बात को राज ही रखेंगे। क्या आप मुझे इस केस को इसी वक्त दबाने के लिए कह रही हैं? जहाँ तक मुझे पता है, अगले ही महीने तुम्हारे इस डिपार्टमेंट को परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस मिलने वाला है। मैं वादा करती हूँ तुम्हें भी एक बोनस ज़रूर मिलेगा, और तुम्हें बहुत अच्छी खबर भी मिलेगी
क्योंकि आपने सही चीज की है. ऑफ कोर्स मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये बोनस मुझे किसी रिश्वत से कम नहीं लग रहा. ऐसा करके मुझ में और उन मुजरिमों में क्या फर्क रह जाएगा? मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करने वाला इंसान हूं. तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे और इस केस की तहकीकात जारी रखेंगे, है ना? एक काम करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे इस बारे में कभी कोई बात हुई थी, ठीक है? ठीक है. बड़े ही दुखी बात है कि तुमने इतने अच्छे मौके को ठुकरा दिया है. प्रमोशन पाने के लिए यहाँ लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. इडियट, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ. मेरे पास हमेशा एक मोल था, लेकिन अभी वो नहीं है. प्रेगनेंसी, अगर किसी को इसके बारे में पता भी चला कि मैंने एक बेबी को लूज किया है, तो वो एक्सीडेंट की वजह से. तो क्या हुआ? मैं कह सकती हूँ कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था. तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो अपने ये बेकार के गेम्स बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो. ऑन्ड्री, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये दरवाजा अभी खोलो, मेरी बात सुनो. क्या तुम समझ रहे हो? मुझे पता है कि तुम अंदर हो. ऑन्ड्री, दरवाजा खोलो. मैंने कहा ये डैम दरवाजा खोलो. ऑन्ड्री, आंड्री प्लीज, आंड्री प्लीज, ये दरवाजा खोल दो प्लीज. आंड्री, ये सब बंद करो प्लीज. मैं तुमसे भीख मांग रही हूं. तो तुम मुझे डुबाना चाहते हो, है ना? तुम्हारे पास 7 घंटे बचे हैं. क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास 7 घंटे हैं? मुझे मैथमेटिक्स आती है, डैम इट. किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझे चाहते हो. मैं ये देख सकती हूँ. मैं भी तुम्हें चाहती हूँ बेबी. मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो. इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ. एंड्री, तुम स्टूडियो नहीं आए, कहाँ हो तुम? मैं बस चैनल की एक असाइनमेंट के लिए आया हुआ था. तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. यहाँ पर तौर तरीके नाम की कोई चीज है या नहीं? मीटिंग में सबको बुलाया गया था, लेकिन हमारा डायरेक्टर ही नहीं आया. उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी. तुम इस सब की फिक्र मत करो, अपने शूट पर ध्यान दो. फोन उठाओ, इडियट. हाँ बोलो. तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम्हारे बिना हम मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते. मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट. मैं माफी चाहती हूँ, मैं अभी आती हूँ.
सबसे पहले हम अपने इंडिविजुअल शो की रेटिंग के बारे में बात करते हैं। सब जानते हैं कि हमारा पॉलिटिकल शो हिट जा रहा है और टॉक शो की रेटिंग भी बढ़ रही है, जबकि दूसरे शोज की कम हो रही है। कम इन। सॉरी मैं लेट हो गई, थोड़ी सी इमरजेंसी थी। अंदर आ जाओ। उस दिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट वाले एपिसोड के बाद हमारे शो की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। क्या कोई ये बता सकता है कि रेटिंग कम क्यों हो रही है? आना, मैं तुमसे इस बात का जवाब चाहती हूँ। इस बात का जवाब आपको मैं दे सकती हूँ। मेरे ख्याल से इस शो की रेटिंग्स गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सॉकर गेम का मैच चल रहा है और उनका ध्यान खींचने के लिए दूसरे चैनल एक्शन मूवीज का सहारा ले रहे हैं, इसीलिए ये। हाँ, इस थ्योरी से मैं भी सहमत हूँ। फिर भी मैं इस बात का जवाब माय फोर्ट के शो के फेस और रिप्रेजेंटेटिव से जानना चाहती हूँ। आना, अब तुम्हारे पास 6 घंटे ही बचे हैं। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। मैंने पेट्रो के पीछे ऐसे ही बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। बस करो, इतना मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। तुम एक चम्मच यह सूप पीकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पी लो ना, प्लीज। ठीक है, फिर मैं इसे डिब्बे में वापस डाल देती हूँ। क्या उसने तुम्हें दोबारा कॉल किया? एक बार उसका कॉल नहीं उठाया तो दोबारा नहीं करेगा। उसका ईगो हर्ट हो जाता है। मुझे उसके कॉल का इंतजार भी नहीं है, इसलिए जाने दो। लेकिन मैं जानती हूँ वो दोबारा कॉल जरूर करेगा। वो परेशान होगा। क्या पता वो काम को बीच में छोड़कर तुमसे मिलने चला आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्यादा उम्मीदें मत पालो। इधर तो देखो। एंड्री कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये भी याद नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था। आना, तुम्हारा मैसेज आया है। जब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो मैसेज को पढ़कर क्या करूंगी? इस मैसेज को पढ़ने से क्या मेरा डूबता हुआ करियर संभल जाएगा? जरा बताओ मुझे। मेरे ख्याल से कंप्लेन करनी चाहिए। किसी और किसके बारे में? डेनिस को शिकायत करनी है। अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज तुम अच्छी लग रही हो।
क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? तुम्हारी स्टाइलिंग सेंस बहुत अच्छी है, खूबसूरत दिख रही हो। अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए, वक्त आ गया है। तुम मुझे प्रमोट करना चाहती हो? मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा होगा। या सोच रही हूँ तुम्हें अपनी को होस्ट बना लूँ। तुम्हें एतराज तो नहीं है? तुम इस काम को अच्छे से कर पाओगी? ये तो मेरा बहुत बड़ा सपना है। तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूँ? हाँ, मेरी तरफ से हाँ है। चलो फिर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम हो गया समझो, बस तुम मुझे बताओ करना क्या है। लेकिन ये हम दोनों के बीच सीक्रेट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पर्सनल कंप्यूटर पर यहाँ मेरे डिपार्टमेंट में एक प्राइवेट वीडियो है जो बहुत ही पर्सनल है। जब मैं और डेनिस आपस में कुछ कर रहे थे, तुम समझ रही हो ना, बच्ची तो नहीं हो क्या? तुम समझी नहीं? नहीं, मैं कुछ समझी तुम नहीं। सच में नहीं समझी? हमारा प्राइवेट वीडियो है, मेरा और डेनिस का। हम अश्लील हरकतें कर रहे हैं, समझ आया? हाँ हाँ, समझ गई। अब मुझे डर है कि वो वीडियो सब देख लेंगे तो। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा लैपटॉप चुरा कर ले? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ तुम उस लैपटॉप से वीडियो डिलीट करो। ओके? हाँ बाबा, मैं कर दूंगी। मुझे ये बताओ करना कैसे है। मैं ऑफिस में जाने की कोशिश करूंगी और तुम्हें बाहर देखना होगा। ओके? हाँ, मैं कर लूंगी। तुमने तो सब ऑलरेडी प्लान कर लिया है। टाइम बम जैसा लग रहा है ये तो। ओके, चलो वापस रिहर्सल करते हैं फिर से। बस तुम्हें इतना करना है कि गार्ड्स को बिजी रखना है और मैं मैसेज करूंगी। जब मैसेज करूंगी तब वीडियो डिलीट हो चुका होगा और तुम्हें गार्ड्स को तब तक एंटरटेन करना होगा जब तक ये वीडियो डिलीट ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने उसी वक्त स्टेशन वापस जाने का फैसला कर लिया तो तुम्हें उसे रोकना होगा किसी भी तरीके से। जैसे उससे बात करो, उससे फ्लर्ट भी कर सकती हो, जो करना है करो, बस उसे अंदर मत आने देना, समझी? अगर जरूरत पड़ी तो उसे अपने आप को ऑफर भी करो। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ विक्टर की हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मुझे यहाँ ज्यादातर रुकना पड़ा क्योंकि आज बड़ा ज़रूरी काम कंप्लीट करना था। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं मेकअप रूम में गई तो मुझे वहाँ एक बैग मिला। किस तरह का बैग मिला आपको? मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ के किसी एम्प्लॉय का बैग है, बहुत बड़ा डरावना सा बैग है। उस बैग में डरने वाली ऐसी क्या बात है? मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे उसके अंदर कुछ टिक टिक की आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल से उसके अंदर एक बम है। तुम्हें पूरा यकीन है वो टाइम बम की आवाज थी? हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलिए। लेकिन मैं अपनी जगह छोड़कर यहाँ से जा नहीं सकता। लेकिन आप समझ नहीं रहे सर, मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है और मेरी पर्सनल चीजें अभी तक अंदर पड़ी हुई हैं। टीवी चैनल का सारा क्रू पहले ही घर जा चुका है, अब सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इसी वक्त पुलिस डिपार्टमेंट कॉल करना होगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों? तुमने खुद ही तो कहा कि बैग में कुछ आवाज आ रही है। मुझे गलत फहमी भी हो सकती है ना, अगर उसके अंदर कोई बम नहीं हुआ तो। मैं नहीं चाहती कि पुलिस के सामने आपकी इंसल्ट हो जाए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे बताओ मेकअप रूम कहाँ पे है, जल्दी चलो।
इरिटेटिंग क्यों हो? ये वही बैग है, आवाज आ रही है ना? हमें शांत रहने की जरूरत है, घबराओ मत। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बाहर दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ, एक काम करो कहीं दूर चली जाओ। उम्मीद करता हूँ जो मैंने कहा था वो तुमने कर दिया होगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बस मुझे और 10 मिनट दे दो। यकीन मानो ये इतना आसान नहीं है जितना मुझे लगा था, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिससे ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगी। 5 मिनट देता हूँ। लो, मुझे क्या पता था इसमें एक अलार्म क्लॉक रखी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे कोलीग इतने शरारती हैं कि ऐसी हरकत कर सकते हैं। कल मैं उनकी अच्छी खबर लूंगी, देख लेना। मुझे नहीं पता था कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, वरना मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। मैं क्या बोलूं, ये बड़ा ही क्रिएटिव प्रैंक था। आखिर उन्हें ऐसा क्लॉक मिला कहां जिसकी आवाज बैग के अंदर से भी इतनी जोर से आ रही थी। इसकी आवाज घंटा घर जैसी आवाज है। चलो शुक्र मानते हैं कि यहाँ सब कुछ खैरियत है। मुझे अपने स्टेशन पर वापस जाना होगा। तुम्हारे जितना बहादुर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो तो मैं हूँ। तुम तो माचो मैन हो, बम की आवाज सुनने पर भी जरा भी नहीं डरे। मेरे लिए तो तुम हीरो हो। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें अपने क्वालिटीज के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तुम बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो। और तुम भी बहुत खूबसूरत लड़की हो। अब मुझे वापस जाना होगा। मुझे अपनी जगह जाना होगा। मैं वापस जा रहा हूँ। समय खत्म।